हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और ये प्रणाम, ये नमस्ते हम लंदन को भी बोलने वाले हैं जिसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है। सिनेमा का नाम है नमस्ते लंदन। सोनू भाई जिन्होंने एक पहल की थी लंदन में, शूटिंग की शुरुआत की थी, जिस सिनेमा का नाम था निर्वा चरण लंदन, उसके बाद अभी ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म नमस्ते लंदन का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत ही भव्य पैमाने पर, बहुत ही बड़े लेवल पर इस फिल्म की कहानी लेखक हैं हमारे लाल जी यादव जी, जिनने काफ़ी बेहतरीन सिनेमा लिखा है हमेशा से, चाहे वो दुल्हन से पाकिस्तान से हो या ट्रक ड्राइवर टू हो, बहुत सारी बेहतरीन फिल्में। उसी कहानी, उसी जोश के साथ, उसी मनोरंजन के साथ ये सिनेमा का भी निर्माण और ये सिनेमा का भी लेखनी शुरू है। आज उसका शुभ मुहूर्त है। आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं फिल्म के कास्टिंग के। बहुत अच्छा लग रहा है कि जब ऐसा हमारा भोजपुरी सिनेमा, जब ऐसे देश विदेश में जाकर हम सिनेमा का निर्माण करते हैं, सिनेमा को दिखाते हैं, जो काफ़ी बाकी जितने भी रीजनल सिनेमा है या जितना भी सिनेमा बाकी लोग जैसे साउथ इंडस्ट्री है, ये लोग जाकर बाहर शूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में था कि हम भोजपुरी सिनेमा में भी विदेश को दिखाएँ और विदेश को बहुत ही खूबसूरत से दिखाएँ। लेकिन जहाँ तक की बात है स्वदेश की, हमारे भारत की, अपने देश की, हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान से बेहतर देश पूरे दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान से खूबसूरत देश, हिंदुस्तान से महान देश इस पूरे दुनिया में नहीं है। तो उसी हिंदुस्तान की महानता, अपने देश की महानता इस सिनेमा में आप सबको नजर आएगा। कैरेक्टर के बारे में किंतु बताइए जरा, आपका क्या रोल होगा नमस्ते लंदन में? बहुत ही तड़कता भड़कता, बहुत ही धमाकेदार कैरेक्टर है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, जो अब तक चिंटू ने नहीं किया है वैसा कैरेक्टर है। और उसी धमाके के साथ, उसी जोश के साथ हम लोग इस सिनेमा का जो निर्माण शुरू हुआ है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सिनेमा को लेकर, चूँकि सोनू भाई ने बहुत भव्य लेवल पर इस सिनेमा का जो तैयारी है वो रखा है। इन्होंने जाके बहुत बड़े बड़े लोकेशंस बुक किए हैं लंदन में, बेल्जियम में और भी काफ़ी जगह, स्कॉटलैंड में, तो जो हम कभी बचपन में पढ़ा करते थे सब देश के नाम वहाँ पर हम सभी लोग जाकर शूटिंग करेंगे और भोजपुरी सिनेमा का शूटिंग होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है। जब भी कोई सिनेमा एक अपने देश का जो हमारे जो एक सीमा है उसको लांग कर जब हम बाहर जाते हैं और हम जब शूट करके लाते हैं और हमारे दर्शकों के बीच जब ऐसा कुछ आता है, तो ये सभी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, सभी के लिए बहुत गर्व की बात होती है, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे सिनेमा का निर्माण हो रहा है और हम सभी लोग उस खूबसूरत साइज, भव्य साइज, महंगी फिल्म का हम सभी लोग हिस्सा हैं। सोनू जी, पहले आप चिंटू को ले जा रहे हैं जब निरहुआ जाता है लंदन तो फिल्म का नाम होता है निरहुआ चलो लंदन, लेकिन जब चिंटू लंदन जाते हैं तो फिल्म का नाम होता है नमस्ते लंदन, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे कि उसमें जो दिनेश भैया का कैरेक्टर था वो हिसाब से वो नाम को मतलब निरहुआ चला, नहीं निरहुआ चला रिक्शा वाला, इसलिए इन्होंने रखा था कि निरहुआ चला कैरेक्टर, मतलब एक जो फिल्म में स्टोरी, तो वो हिसाब से मतलब हम लोगों ने नाम चूज किया था वो। अभी जैसे नमस्ते लंदन है तो नमस्ते लंदन एक मतलब जो स्क्रिप्ट, जो मतलब कथा और पटकथा जो भी लिख रहे हैं हमारे लाल जी यादव जी, तो उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, तो मैंने सोचा कि अगर इसका शूटिंग हम बाहर करें और इसका नाम ए हो तो बहुत बेहतर रहेगा बोल के मतलब हम लोगों ने ए चूज किया। और चिंटू स्पेशली नमस्ते लंदन है तो ए और मतलब चिंटू पांडे के अलावा और दूसरे को मतलब शूट नहीं कर सकता ये कैरेक्टर, तो इसके लिए हमने नमस्ते लंदन। पोस्टर में भी नजर आ रहा होगा काफी सस्पेंस है, ये हम सबके लिए सस्पेंस है और ये सस्पेंस बहुत जल्द खुलने वाला है, लेकिन ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, बहुत खूबसूरत सस्पेंस है। ये चेहरा अब तक भोजपुरी सिनेमा में नहीं आया है इतने बड़े लेवल पर, और इतना खूबसूरत चेहरा अब तक भोजपुरी पर्दे पर नहीं आया है। हम सबकी कोशिश है कि इस सिनेमा में काफ़ी खूबसूरत चेहरे नजर आए, तो इसलिए वो सस्पेंस में रखा गया है। काफ़ी जल्दी ये सस्पेंस का पर्दा आप सबके सामने से हटने वाला है। जुलाई, एंड ऑफ जुलाई में करेंगे फॉर्चुनर लंदन करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे बिहार में। फिल्म का नाम छोटी सी लव स्टोरी क्यों नहीं रखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बताइए।
सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से टाइटल को दर्शाया गया है, और नमस्ते लंडन एक हिंदी में बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिनेमा है वो अक्षय कुमार साहब की, जब भी देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे उस टाइटल पर काम करने का मौका मिल रहा है। मैं हमारे सभी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी लोग हैं ये डिसीजन लेते हैं मुझे लेने का, तो वो जब भी मुझे इतना खूबसूरत टाइटल जब भी ला के देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत खुशी होती है कि मैं उन सभी का, हमारे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं आभार प्रकट करता हूँ इस बात पर कि वो लोग मुझे ऐसा इतना बड़ा और इतना खूबसूरत टाइटल्स हमेशा देते हैं और इतने अच्छे कहानी पर मुझे काम करने का मौका मिलता है। मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि भोजपुरी सिनेमा में कुछ नयापन हो, जो लोग आजकल जो काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं, लोग काफ़ी आजकल ढूंढ रहे हैं, जो युवा वर्ग है वो लोग, हम काफ़ी कमेंट्स देखते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि कुछ नया नहीं दिख रहा है, कुछ नया नहीं दिख रहा है, तो वही हम नयापन लेकर आए हैं, और बाकी जो मसाला, जो चुलबुलाहट, जो मस्ती, जो मजाक रहता है वो तो भोजपुरी का वो हमारा रहेगा ही, जो चिंटू की जो चुलबुलाहट है वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ बहुत कुछ नयापन और बहुत कुछ बड़ा दिखने वाला। अच्छा, लंदन अपने आप में बड़ी भव्य, बड़ी बहुत अच्छी बेहतरीन जगह होगी, मैं तो कभी गया नहीं, आप गए हो तो जरा बताइए लंदन के बारे में। बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल है, मैं उसका वर्णन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वो सिनेमा में अगर उसका वर्णन होगा तो वो दिखने में बहुत बड़ा होगा, जो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत कुछ सरप्राइज है सिनेमा में, जो सरप्राइज हम लोग सीधा फर्स्ट लुक और सीधा टीजर में छोड़ा जाए। दूसरी फिल्म प्रेम गीत, प्रेम, चिंटू जी आपकी फिल्म दूसरी आ रही है प्रेम गीत, जरा उसके बारे में सभी से ले लेंगे। सबसे पहले भोजपुरिया काका अरुण सिंह के तरफ से आप सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा, और आज बहुत खुशी के बात बा कि ऊपर से ऊपर वाला के भी आशीर्वाद बारिश के रूप में मिल रहा बा, और हमारा अजीज मित्र भाई चिंटू प्रदीप पांडे चिंटू जी, लाल जी भाई और सोनू भाई, हमारे अजय झा जी की फिल्म और तमाम पूरी टीम के हमारे तरफ से बधाई बा, दोनों नमस्ते लंदन और प्रेम गीत खाती ढेर सारा शुभकामना बा, हार्दिक बधाई बा, ये फिल्म जो जो आगर बढ़े जब भी रिलीज होकर, जैसे चिंटू भाई अभी कहले हैं कि मुँह देखौनी के रूप में, तो हम चाहब कि जरूर मुँह देखाई के रूप में भाई के वो प्यार वो आशीर्वाद मिले, और भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे लेके जाए में हमने के पूरा कोशिश रही कि दर्शक हमने के सिनेमा हॉल में आवे और आप सबके प्यार मिले, हर हर महादेव। मैं करण पांडे, सबसे पहले सोनू भाई को इनकी दूसरी और तीसरी मूवी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जैसे कि ये अभी पता चला है कि इसके डायरेक्टर जो निरहुआ चलन लंदन के हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़े लेवल की फिल्म बन रही है, और दूसरे मेरे भाई अजय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरी कास्ट एंड क्रू को, एंड ऑफ द डे जब तक हमारे हीरो को बधाई ना हो तब तक ये फिल्म ही नहीं है, बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। चिंटू जी के साथ हमारा फर्स्ट फिल्म नहीं है, तकरीबन 80-90% तो हमने करवे करेंगे साथ में का, और ये फिल्म के हम अभी कुछ कर नहीं की चाहता नहीं कि फिल्म जब आवे तो बाकी सब सिनेमा, जितना हम सिनेमा लिखले बने, जितना बहुत सारे फिल्म हमने के बहुत बड़े बड़े फिल्म हिट भैल बस, तो ये भी सिनेमा आवे तो बाकी जितना सिनेमा मतलब हमने के हिट भैल बा, वो हर सिनेमा के एक रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़े, ये प्रयास रही हमने के, और ये प्रयास करते नहीं उतने लगन के साथ, उतने मेहनत के साथ ये सिनेमा के लिखे नहीं, और हमें जितना लोग टीम के लोग बने जा, हम सबके मिल के मतलब एक बड़ी लेवल ऊपर तक ले हमें सिनेमा के बनावे के बाद ये कोशिश बा हमने के। नमस्ते, मेरा नाम सोनालिका प्रसाद है, और प्रेम गीत, नमस्ते लंदन, इन दोनों फिल्मों के जो एक टीम है उन सभी को मैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से यहाँ पर पूजा हुआ, और मैं होप करती हूँ कि सारे भगवान के आशीर्वाद इस फिल्म को मिले। हाँ, फिर से लेने जा रहे हैं, एक बार फिर से दुल्हन लेने जा रहे हैं पाकिस्तान, एक बार फिर से इन्हें शुभकामनाएं कम से कम देना चाहते हो कि पाकिस्तान से दुल्हन सही सलामत लेके आ जाए। हाँ, ये हमेशा लेकर के आते हैं, और इनकी कड़ी आगे बढ़ती जाएगी। ऑल द बेस्ट। टू का फर्स्ट लुक आया है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी वायरल हुआ है, मेरे ख्याल से इतना शायद फर्स्ट लुक इतना नहीं वायरल हुआ है किसी पोस्ट में, तो ये उस चीज़ के लिए आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ, और ये सिनेमा अगस्त महीने में रिलीज़ होगा आप सबके बीच, आप सबके नज़दीकी सिनेमा घरों में होगी, तो बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, और आगे और भी सारे ट्रेलर आने वाले हैं, मोशन पोस्टर इसका बहुत जल्द आने वाला है आप सबके बीच, बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही भव्य है, जो
लोगों के एक्सपेक्टेशन से परे हैं। बस मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग वो जो मैं बात कर रहा था कि आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार सिनेमा हॉल में आकर जब भी फिल्म लगे दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 तो आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आकर ज़रूर देखिए। मनोज कुमार की तरफ से मेरा प्रणाम है सभी श्रोता भाई लोगों को। मैं जब टाइटल देखा नमस्ते लंदन एंड प्रेम गीत, तो ये नमस्ते लंदन ये अपने में एक बहुत मतलब बेमिसाल एक टाइटल है। अभी आपने अच्छा सवाल किया चिंटू भाई के लिए कि दुल्हन चाहिए पाकिस्तान 2, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा भाई जो है कि लंदन से दुल्हन ना लेकर गया है और सब लोग जो है कि जो इंतज़ार करें। तो मेरी तहे दिल से इस मूवी के लिए नमस्ते लंदन एंड प्रेम गीत के लिए तहे दिल से दुआ है, शुभकामनाएं हैं और मैं ढेर सारी दुआ करता हूं कि ये जितना हम लोग सोच रहे उससे बढ़ करके पिक्चर जाए। और तहे दिल से थैंक्स करता हूं ब्रदर का क्या नाम बताया मैं पूरा सोनू जी को ताकि ये खूब दिन रात और चौगुनी तरक्की करें और इसमें अपना पूरा नाम कमाएं। ये बात सच है कि एक्टर की तरह दिखते हैं लेकिन कह रहे हैं कि मुझे इसमें मत डालिए ताकि मैं डायरेक्शन में ही रहूं और खूब आगे बढ़े। प्रोड्यूस करें और सर को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। ये नमस्ते लंदन और प्रेम गीत का टीम है बहुत अलग है और बहुत हम लोग आप देख ही रहे होंगे कि सब लोग एकदम यंग है। तो हम लोग इसको मतलब अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे मैंने अभी निर्वाचन लंदन बनाया है उससे भी आगे मतलब उससे भी ऊंचा लेवल का मैं मेकिंग करूंगा दोनों फिल्म का। और जैसे कि मेरे साथ में जुड़े हैं चंदन भाई, उत्तम भाई और अभी तो प्रदीप पांडे जी, चिंटू जी का छोड़ी दीजिए, अपना ये रामू यादव जी हैं, जैसे पूरे टीम है हम लोग की एक। तो हम लोग मिल के अभी इसको बहुत अच्छे से जुलाई एंडिंग से शूटिंग स्टार्ट करेंगे और जब शूटिंग स्टार्ट होगा उसके 3-4 महीने के बाद में फिर आपको कुछ रिजल्ट कुछ ना कुछ आप लोग को दिखाएंगे हम लोग। तो हम लोग के क्रू एंड मेरे जितने भी टीम हैं इसका जैसे निर्वाचन लंदन का टीम था वैसे भी इसमें नए मेंबर्स हैं, तो आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते लंदन और प्रेम गीत में सभी पहली बार आए हैं। नहीं, मैं पुरुषों साहब से पहली बार मिल रहा हूँ। मैं भी एक्टर हूँ, काम करने की इच्छा रखता हूँ भोजपुरी फिल्म में और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं और इनकी पिक्चर पहले हिट हुई है, मैं चाहता हूँ कि दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। सुन जी मेरी तरफ से एक शुभकामनाएँ।